हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या हुआ ऑटोमेटिक? What is the right rule? How to click the pic? Can you explain? फोटो कैसे खींचा जाता है? हाँ, का तरीका जानिए। गुड सर, आप सीधे खड़ा होइए। हाँ, खड़ा हो जाइए। सावधान इंडिया। हाँ, सबसे पहले फोटो खींचने का तरीका है। हाँ हाँ, सबको कैमरा पर ध्यान रहेगा। हाँ, बताइए तरह खूबी, कुर्सी का खूबी बताइए। एक्सरसाइज करने का तरीका कैसे है? हाँ, गुड गुड। नॉटी अमेरिका। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब और हाथ हाथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आज हम लोग आ चुके हैं राजगीर के जू सफारी, जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। और हम अभी इंटर कर चुके हैं अंदर, और हमारे साथ में यहाँ पे हमारे साथ में दोस्त लोग हैं, हमारे सतेंद्र जी भी हैं। सतेंद्र जी, हाय कीजिए। आने में मजा आया ना ट्रेन में? और इधर सबको हाय कर दीजिए। हेलो गाइस, मजा आया आने में? मजा बहुत आया, गर्मी बहुत हुआ है। गर्मी इतना था कि पूरा भींग गए थे हम। तो इतनी गर्मी में आप लोग के लिए ब्लॉगिंग करने इतने दूर चल के आते हैं, तो कम से कम वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और कुछ नहीं, और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए, हमको भी सब्सक्राइब किया कीजिए। हाँ, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो भी ये जू सफारी आना चाहते हैं, सबसे पहले कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, टिकट की चार्ज कितना है? 250 है। अगर आप ऑन द स्पॉट यहाँ करवाना चाहते तो नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही बुक करनी होगी। अगर आपको जू सफारी की नजारा, जो जू सफारी की, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोलता है उसका? टिकट रहता है क्या? ऑफलाइन टिकट लिमिट रहता है। ऑफलाइन टिकट लिमिट रहता है, आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करवानी होगी, तब आप जू सफारी का नज़ारा उठा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग चलते हैं, इंटर करते हैं अब जू सफारी के अंदर। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो बोलोगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धमकी दे रहे साथ में, हम लोग चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अभी हम लोग जू सफारी के अंदर इंटर कर चुके हैं, और कुछ कुछ स्टैचू बने हुए हैं इस पार्क के अंदर एनिमल सब के, और यहाँ पे थिएटर वगैरह सब भी है अंदर में। ये सब देख लीजिए, जितना सारा दिख रहा है आपको, हम लोग का दिखाएगा। ये सब रिसेप्शन हाउस है, रिसेप्शन काउंटर है, और थिएटर भी है। और कुछ ही देर में हम लोग को बस लेके जाएगी जंगल की तरफ एनिमल सबसे मिलवाने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस कैमरे में कौन कौन से एनिमल कैप्चर हो पाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आप लोग भी बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आती है हम लोग को लेने के लिए, तब तक हम लोग विश्राम कर रहे हैं बैठ के उस म्यूजियम के अंदर। लेकिन यहाँ पे एसी पंखा की व्यवस्था नहीं है बहुत। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुखद वाला बात है, कितना व्यवस्था करके पंखा और एसी लगाना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
भाई 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 बोलिए ना, कुछ बोलिए ना, यादव कुल का नाम रोशन कीजिए, बोलिए। क्या बोलिए? जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए ना। गुड। सर खा के दिखाइए ना सर। ये अरे आ जाओ यार, अरे आ जाओ, बोल रहा है यार, क्या लगा, आ जाओ। अब ये करेगा क्या हुआ होटल में? ठीक यूपी से हार निकल गया, निकल गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओ अच्छा, इस सेंसर में सटाना है, ये छेदवा है ना। क्या 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 छेदवा है ना? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। उस टाइम जब हम लोग आए हुए थे यहाँ, समोसा लेके देखे, समोसा पूरा सोच मारे ऊपर गिर चुका था। तो अभी ये समोसा खाइए, जब तक आपका टाइम नहीं पूरता है। वहाँ पे थिएटर का मजा लीजिए, वहाँ पे सारा बताया गया वीडियोस के माध्यम से क्या क्या देखने मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप तब तक समोसा खाते करते वहाँ वीडियोस कुछ ध्यान लीजिए, और उसके बाद जब आपको जाएंगे तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैठे हैं थिएटर में की बस आ चुकी है, वो देखिए आगे में हमारा बस लगा हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पे टिकट कंफर्म करेंगे पूरा, उसके फिर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, फिर मज़ा आएगा। चलिए फाइनली हम लोग इंटर करते हैं बस के अंदर, और ये हमारे बस ड्राइवर, फुल्ली एसी बस है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ए विंडो साइड दीजिएगा, अरे हमको विंडो साइड रहना पड़ेगा। हम इधर नहीं बैठे, उधर दिक्कत हो जाएगा। सतेंद्र जी किधर हैं? सर मजा आ रहा है ना? ब्लॉग में पूरा एकदम आपको एंजॉय देना है, ब्लॉग इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अभी नहीं दे रहा है। ये वही नया बड़ा देख रहे हैं, कैसे आता है ये भी ब्लॉग से इसने बनाया। मिल गया कोई अगर कोई नहीं मिला पैसा बर्बाद। सब ब्लॉगिंग अंदर चल जाए, इसलिए इधर उधर जंगलों में चले गए, फिर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो गए यहीं पर कहीं पर, वहाँ देखो पीछे बैठे हुए।
देखो वहाँ पर किधर है, किधर है? वहाँ है, ढेर सारे बैठे हुए, देखिए सबको मोटी और कान हिल रहा है, स्पोर्टी दी है ढेर सारे। वो जब वो पूछ या कान हिला के तो पता चलेगा वहाँ वहाँ बैठे हुए। नोट कीजिए आप कितने हैं, पेड़ के नीचे झाड़ी पास नहीं है, तीन बटा है ना, बहुत सारे हैं, वही घर पे कहाँ है, इधर उधर परेशान कुछ। अच्छा इसी के चक्कर में सलमान खान जल गया था ना? ये नहीं, वहाँ पीछे किधर देखा, पीछे में वहाँ पेड़ के ब्लैक एंड व्हाइट और लाइट ब्राउन कलर में भी दो तीन ही रहने वहाँ पर, वो फीमेल है, ब्लैक बॉक्स फीमेल। अच्छा वो वहाँ पे, वहाँ पे देखा, हाँ है वहाँ पे पेड़ के पीछे, ये फाइनल कलर का जरूरत नहीं पड़ता होगा। जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा ना वैसे वैसे सब बाहर आने स्टार्ट हो जाए। हो गया, चला जाए। मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे थे, ठीक है, जैसे ही ट्री लिए तो जस्ट सामने में यही सांप आ गया था। फिर देखे ये अपने हेड को, अपने मतलब सर है उसको इतना ऊपर कर लेते, इतना ऊपर, बहुत ऊपर कर लेते। फिर देखे ये छोटे छोटे जो बांस वाला है ना उस पर चला गया वो। तो यहाँ ये सब जंगल है तो ये सब देखने को मिल सकते हैं, इतना कहीं सर मारा हम ससुराल से थोड़े थोड़ा। आई वन रोल के टेक जूम है, जूम है, वन रोल, वन रोल। अब हम लोग आ चुके हैं टाइगर सफारी में, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ऐसे करके चौला करके ले लेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु मेला से। हाँ तो यहाँ मेला हर इस वक्त लगता है, 5-6 साल बाद लगा है, इस वक्त क्राउड भी बहुत है। और यहाँ तो जितना भी जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जो शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं मल मास में, क्योंकि जितने भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं सब राजगीर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक कि आप बाबा धाम में भी जल चढ़ना कोई फायदा नहीं है, जितना भी आपको देखे पूरा राजगीर मतलब कि सेफ्रॉन कलर में ढक गया। आज शाही स्नान था, आज है ना, बहुत से साधु संत भी आए थे स्नान करने के लिए, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं ना हरिद्वार जाते हैं, बिल्कुल वहाँ के वहाँ नहा जो नहाते हैं ना, और इस समय जो मलमास मेला में जो नहाते हैं बिल्कुल बराबर की मान्यता प्राप्त है। हाँ ब्रह्मकुंड में, लेकिन हाँ ब्रह्मकुंड परिसर में आपको कौवा नहीं दिखेगा, खाली जंगल आ रहा है। प्रिंस जी बताइए कुछ दिखा के नहीं जंगल में? दिखा, क्या दिखा? तिनसिलिया टॉर्च, गुलशन जी क्या दिखा? अभी जो चिड़ियाघर में देखा, इतना दूर से जो आए खाली गरीब घूमने, खाली आपको मिला दूसरा लिया टॉर्च सर, आपको मिला कुछ? बंगाल टाइगर जो काटा हुआ पेड़ है ना, जो नाद है। अब इतना पगल में भी अगर दिखाने की जरूरत है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। उठो भाई उठो, बहुत पैसा देके आए, उठो ना रे। पगल में भैया, पगल में दिख रहा, साफ दिख रहा तो सर दिखा सर। हाँ हाँ दिखा ना, फोटो ले जाएगा सेल्फी। सफाई तो नहीं ना करते अभी भाई, रखो फोन।
तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ठरकी शेर सुलिया हुआ है। काम खुलना पहले शेर खुले। अब आए सही से बैठ न रही। देखिए आप लोग इसका वीडियो बना रहे हैं पर अभी से कहा ना हो रहा है। किसी भी जानवर का मुंह नहीं दिख रहा है सर, कुछ रीजन है का जरूर कुछ गलत काम किया होगा। इसको पता है कि सबको यहाँ डेली हमको देखने आता है इसलिए स्टाइल में सोया हुआ है। हो गया रहा वायरल हो गया नीचे कर जो चीज देखना चाहिए देखिए। लो और थोड़ा जूम कर व्यूअर लोग अच्छे से देखिए। इतना क्लोज से नहीं जा। पाइथन 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 हाँ इंडिया में देखिए इंडिया में दो तरह के पाइथन पाए जाते हैं, एक इंडियन रॉक पाइथन दूसरा रेटिकुलेटेड पाइथन। यहाँ आपको इंडियन रॉक पाइथन देखने को मिल सकते हैं हाँ। लेकिन जितना गर्मी है वहाँ बारिश होती है तो चांस ज्यादा रहता है स्नेक देखने का। चीता 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 सारा एनिमल को देख लिया लगभग हम लोग 4-5 एनिमल को देखे और हमारे साथ में सर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और एक बार मेरे व्यूअर को कुछ बोल दिए सर आप व्यू एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे 10 मिनट की शो चलती है तो चलिए 3D थिएटर कैसा दिखता है अंदर से वो आपको दिखाने का काम करेंगे हम। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं 3D थिएटर के अंदर। हमारे साथ प्रिंस भाई और हमारे सारे टीम मेंबर आ गए। कैसे रहा? अच्छा है ना सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाओ वेरी डेंजरस। सर आगे में सीट लेते हैं आगे में तो बीच में। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। कितना मस्त आ रहा है ना मजा सर, बहुत अच्छा एकदम फील आ रहा है ना। दोसेन बायोस्कोप चलिए हम लोग मजा उठाते हैं 3D थिएटर का और फुल्ली एसी अंदर। इधर इधर वाह हम भी हम राम का हुआ जी क्या हो रहा है हम राम दोनों घस कहीं नहीं ओ ज्यादा दूर हो गया यार। तो चलिए बने रहिए ब्लॉक के साथ। Naughty America. बताइए तेरा खूबी कुर्सी का खूबी बताइए। एक्सरसाइज करने का तरीका कैसे है? हाँ बस देख लो। गुड गुड Naughty America. Nobody. परिवार well की तरह है जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं जैसे मछलियाँ मोलस्क डॉल्फिन सील वॉलरस क्रस्टेशियन बैक्टीरिया समुद्री एनिमनी और हाँ ब्लू व्हेल भी। जो 3D पिक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा। प्लीज भाई क्या बोल रहा है बोली चलो देखो भाई एक छोटा ये बोल दे एक छोटा और देखेंगे। समझ में नहीं आया सर आपको आया कि नहीं समझ में? नहीं अच्छे थे अच्छा था ना।
हमको नींद आ गया था, चार बार सोए हैं, चार घंटे हैं। एक बात है कि ये दो आंखों से पूरा इधर कवर करना पड़ता है तो ये माइंड हैंग करने लगता है, इसलिए थिएटर से बाहर निकलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। काहो मंगरो अब का करवा। What is the right rule? How to click the pic? Can you explain? तो हमारे फोटो खींचने वाले तैयार है और फोटो खींचने वाला तैयार है। सर बताइए सर। हाँ आराम सर। यहाँ तो तैयार। हाँ सर बताइए सर। फोटो कैसे खींचा जाता है? हाँ का तरीका जानिए। गुड सर, आप सीधे खड़ा होइए। हाँ खड़ा हो जाइए। सावधान इंडिया। हाँ सबसे पहले फोटो खींचने तरीका है। हाँ सबको कैमरा पर ध्यान रहेगा। सर ये क्या कर रहे हैं? सर प्रपोज कर रहे क्या? निकलने ही वाले थे कि बारिश स्टार्ट हो गई तो हम लोग फंस गए, और बारिश अभी तक मैं 2 times दे चुका है। देख लीजिए सारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं देखने के लिए, इस जू सफारी का आनंद लेने के लिए आए हुए, तो सारे इस बारिश में फंसे हुए हैं, और जब ये पूरी तरह से बारिश ख़त्म हो जाती है तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर इस ब्लॉग एंड करेंगे। और ये देखिए हमारे साथ सतेंद्र जी जो कि ब्लॉगर बन गए हैं और इंस्पायर हो गए हमसे, और इधर हमारे यू भी सर इंस्पायर हो गए हैं। हाँ बहुत पहले से ब्लॉगिंग करते हैं सर। ओ यार मजाक नहीं कर रहे हैं सर, आप कब से ब्लॉगिंग करते हैं? 1947 से। अयोध्या का ब्लॉग है इनका। क्या बात कर रहे हैं? तो इसका अयोध्या का ब्लॉग है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कितना इस बात में सच्चाई है कितना झूठ है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है? बने रहिए। तो फाइनली गाइस जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं और जो भी म्यूजियम वगैरह थिएटर वगैरह जो भी थे, वो सारा इस छोटे से ब्लॉग के अंदर हम कैप्चर करने का प्रयास किए। आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, और एक ही आपसे विनती है कि ब्लॉग को शुरू से लेकर अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।